Hello class, I am Professor Jyoti. Today our topic is Fundamentals of E-Business, Class Plus 2, Commerce. पहले first of all हम अभी करेंगे Meaning of Business. Business है क्या? Business is an organization where people work together. बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठे होकर काम करते हैं इन अ बिजनेस पीपल वर्क टू मेक एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वो इकट्ठे होकर काम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर टू द बायर बायर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो परचेजर है उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये वर्क करते हैं इकट्ठे होकर काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं एंड उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको एंड गुड्स एंड सर्विसेज को आगे है द बिजनेस ओनर इज द पर्सन हु हायर पीपल फॉर वर्क जो बिजनेस ओनर होता है वो आगे पर्सन को जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको हायर करता है फॉर द पर्पस ऑफ वर्क अ बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट ऑफर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चर कर रहा है सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को दे रहा है उससे वो क्या करते हैं अर्न करते हैं प्रॉफिट होता है उनको उस एक्टिविटी से द वर्ड बिजनेस कम फ्रॉम द वर्ड बिजी जो बिजनेस वर्ड आया था वो किस वर्ड से आया है जो है बिजी वर्ड से हमारा बिजनेस आया हुआ है बिजनेस वर्ड एंड मीन्स डूइंग थिंग्स इट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस ये रेगुलर बेसिस के ऊपर काम होता है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है जो भी प्री सेल सर्विसेज होती हैं मार्केट सर्वे कंडक्ट किया जाता है वो सारी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं बिजनेस बोलते हैं ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है अर्निंग करने के लिए होता है जहाँ पे बिजनेस ओनर क्या करता है हायर करता है पीपल्स को फॉर द पर्पस ऑफ वर्क फॉर द प्रोडक्शन पर्पस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन तो यहाँ पे पीपल वर्क करते हैं इकट्ठे होके उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बाइंग एंड सर्विसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बिजनेस आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ई बिजनेस What do you mean by e-business? Introduction of e-business, e-business or online business means e-business को बच्चे हम online business भी बोल सकते हैं E stands for electronic. Electronic business means business transactions that take place online with the help of internet. कोई भी business transaction है उसको जब हम online करते हैं with the help of internet तो हम उसको बोलते हैं electronic business, e-business और online business. The term e-business came into existence in the year of 1996. 1996 में e-business जो था वो एग्जिस्टेंस में आया ई बिजनेस सेटअप हुआ था स्टार्ट हुआ था इनिशियल हुआ था ई बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी ई बिजनेस रनिंग में आया था लोग क्या करने लग पड़े ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस को रन करना स्टार्ट किया था 1996 में ई बिजनेस जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो अगर हम उसको इंटरनेट के थ्रू करते हैं ऑनलाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो हम उसको बोलेंगे ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस दीज ई बिजनेस प्रोसेसेस इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सर्विसिंग कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोसेसिंग पेमेंट्स कस्टमर की जो भी हम सप्लायर है उसको पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ई बैंकिंग के थ्रू इंटरनेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो मैनेजिंग प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं उसका डाटा मेंटेन करके रख रहे हैं फिर उसके बाद कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स जो बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में
उनके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, रनिंग ऑटोमेटेड इम्प्लॉयज़ सर्विसेज हो रही है, रिक्रूटमेंट एंड सो मैनी जो प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अगर बिजनेस में सारी ऑनलाइन रन की जा रही हैं तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इसके क्या फीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के? फर्स्ट है इट इज़ ईजी टू सेट अप। जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस, ये सेटअप करना ईजी है, इसमें कॉस्ट भी कम आती है और टाइम भी सेव हो जाता है। ईजीली हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आगे सेकेंड है देयर आर नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है हम एनी वेयर एनी टाइम कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम क्या करेंगे, वर्ल्ड लेवल के ऊपर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, किसी के साथ भी डाटा शेयर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कस्टमर्स का डाटा ले सकते हैं, मार्केट स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। आगे है थर्ड, ये क्या है, मच चीपर देन ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो इकोनॉमिक है, चीपर है, बिकॉज वहाँ पे कम कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी यहाँ पे कम होती है कहीं ना कहीं, और हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास क्विकली और विद द जब रिक्वायरमेंट होती है, अवेलेबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की। आगे है देयर आर फ्लेक्सिबल बिजनेस आर। जो बिजनेस आर्स हैं वो फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, एनी वेयर एनी टाइम हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगर आप बात करो ट्रेडिशनल बिजनेस की तो वहाँ पे स्पेसिफिक बिजनेस आवर्स होते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 6 बजे तक, तो उसी वर्किंग आवर्स में वहाँ पे काम होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की तो वहाँ पे ऐसा कोई वर्किंग आवर्स का शेड्यूल नहीं होता। नाइट टाइम अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हो, इवनिंग करना चाहते हो, आफ्टरनून करना चाहते हो, तो आप ईजिली कर सकते हो विदाउट एनी वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शंस। आगे फिफ्थ है यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। इवन इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वेराइटी ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी इसका एक फीचर है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस रन करते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे है सिक्स्थ, There are few security and integrity issues. Sometimes electronically जब हम अपने business को run करते हैं तो वहाँ पर security issues आ जाते हैं कि हमारा data को कोई hack कर लेता है, fraud हो जाते हैं हमारे साथ, जो information हमने किसी को send की है, जो हमारा system अच्छे से operate नहीं कर पाता, हमें उसको run करना नहीं आता, तो ये issues होते हैं उसके बीच में, but उसको हम control भी कर सकते हैं with the adequate precautions. आगे है there is no personal touch. यहाँ पर कोई personal touch नहीं है, screen to फेस हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, पर्सनली मीट नहीं करते। बायर एंड सेलर डू नॉट मीट, बायर एंड सेलर मीट नहीं करता। अगर हम बात करें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, रॉ मटेरियल लेना है, उन्होंने कस्टमर का डाटा लेना है, मार्केट की रिसर्च करनी है, तो वो सारे क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करके एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं, तो वहाँ पर बायर एंड सेलर मीट नहीं करते। आगे है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्शन टेक टाइम। यहाँ पे ये बात है कि अगर आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा जो प्रोडक्ट्स हैं आपने ऑर्डर किए हुए हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे, हफ्ता लग जाएगा। ऐसे अगर आप ट्रेडिशनली कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने के लिए मार्केट में जाते हो तो उसी टाइम आप पेमेंट करते हो और आपको गुड्स मिल जाती है। तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लास्ट हमारा फीचर है एनीवन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। कोई भी पर्सन कभी भी कहीं से भी कोई भी गुड्स को बाय कर सकता है विदाउट एनी टाइम प्रॉब्लम, विदाउट एनी शेड्यूल प्रॉब्लम, विदाउट एनी कोई भी किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस।
दोनों वैसे बेसिकली सिमिलर ही लगते होंगे बाकी सभी स्टूडेंट्स को, बट इसमें एक डिफरेंस है जो आज हम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। पहले तो इस डायग्राम के ऊपर फोकस करो, यहाँ पे देखो ई कॉमर्स इज़ अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। जो ई कॉमर्स है वो सबसेट है ई बिजनेस का। ई कॉमर्स एक नैरो स्कोप है और जो ई बिजनेस है वो वाइडर स्कोप है। जो ई कॉमर्स है वो पार्ट है ई बिजनेस का। आर यू गेटिंग मी? ई कॉमर्स क्या है? पार्ट है ई बिजनेस का। तो नेक्स्ट अभी हम डिफरेंस करते हैं इसका, डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स का मीनिंग है व्हेन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस ओवर द इंटरनेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इज ई कॉमर्स। जब हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मींस हमारा फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स। और सेकंड साइड मीनिंग ऑफ ई बिजनेस, व्हेन द बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मींस ई बिजनेस। जब हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो अभी बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ रेफर्स टू द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कस्टमर एंड इंश्योर प्रॉफिट अर्निंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस एक्टिविटीज़, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है जो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका मोटिव होता है अर्निंग, अर्न करना कुछ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो क्या करता है? इंश्योर करता है प्रॉफिट मेकिंग को एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। एंड सेकंड डिफरेंस स्कोप, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने डायग्राम में पीछे ही किया है कि ई कॉमर्स क्या है? पार्ट है, सबसेट है ई बिजनेस का। तो ये नैरो इन स्कोप हुआ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड साइड चलते हैं ई बिजनेस में, तो ई बिजनेस इज सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, वाइडर इन स्कोप। ई बिजनेस इज वाइड इन स्कोप एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं, ई कॉमर्स यूजली रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ जस्ट अ वेबसाइट। बेसिकली अगर की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन सी है ई कॉमर्स करने के लिए? वेबसाइट। एंड सेकेंड साइड, अगर हम ई बिजनेस रन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है? ई बिजनेस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस लाइक CRM, ERP दैट कनेक्ट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस। CRM जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है उसको मैनेज करना, उसके लिए उसका डाटा कलेक्ट करना, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिटेन करके रखना कस्टमर को कि हमारे प्रोडक्ट को वो बाय करे। आगे है ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? मैन मशीन, मनी, मटीरियल, उनकी अच्छे से प्लानिंग करनी कि वो कॉन्टीन्यूसली, उनकी कहीं पर शॉर्टेज ना रहे, कॉन्टीन्यूसली हम प्रोडक्शन को रन कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। तो ये सारे एक तरह से सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, CRM, ERPs, तो ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो ई बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं, बिजनेस के एक्टिविटीज़ हैं, उनको एफिशिएंटली रन करने में। आगे हम अभी चलते हैं, आगे फोर्थ डिफरेंस है, ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स में क्या इन्वॉल्व होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सेकेंड साइड, ई बिजनेस इन्वॉल्व्स ऑल काइंड ऑफ प्री सेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट्स। अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग, बाय करना है, सेल करना है, क्लियर। तो बट जो हमारा ई बिजनेस है इसमें प्री सेल मींस जो सेल से पहले एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अगर आपने सेल अभी करनी है उससे पहले जो आप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो बिफोर द क्लोजिंग द सेल, उनको क्या बोला जाता है? प्री सेल।
प्री-सेल एफर्ट्स, प्री-सेल प्रोसेस, जैसे मार्केट रिसर्च करते हो, आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, पहले आप क्या करते हो, सेल करने से पहले मार्केट की रिसर्च करते हो कि मार्केट में कैसा कस्टमर है, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसका टेस्ट क्या है, क्लियर, तो कॉम्पिटिटर कौन सा है आपका, उस सारे आस्पेक्ट्स के बारे में आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। फिर उसके बाद आप रिसर्च करके, एनालाइज करके, स्टडी करके, फिर आप देखते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट लाइन में डील करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हो, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट हमें फ्रूटफुल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करवाएगा, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें प्री सेल्स प्रोसेस में आती हैं। आगे है आफ्टर सेल। आफ्टर सेल को पोस्ट सेल सर्विसेज भी बोलते हैं, जो कि सेल के बाद की जाती हैं, जैसे क्या ट्रेनिंग और रिपेयर, अपग्रेड, आगे जैसे वारंटी गारंटी होती है, जैसे आप देखते होंगे आपने अगर कोई आरओ लगवाया है, फॉर एग्जांपल आपने आरओ परचेज किया, तो वो आपके घर आते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको लगाने के लिए आते हैं, वो भी एक सर्विस ही हुई, आपने उसको सेल कर दिया। आफ्टर सेल बिजनेस क्या कर रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, रिपेयर की आपको 5 रिपेयर फ्री है, आपको गारंटी प्रोवाइड की जा रही है, आपको यूज़ करना कैसे है उसको बताया जा रहा है, वो क्या है, आफ्टर सेल, आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसको बोलते हैं पोस्ट सेल सर्विसेज। तो जो हमारा ई बिजनेस है उसमें ऑल काइंड की प्री सेल एंड पोस्ट सेल सर्विसेज हैं। तो इसमें ये नहीं हम बोल सकते कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग है, तो ये वाइडर इन स्कोप है एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स में जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ही होता है, इसमें कोई प्री सेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट्स नहीं होते। आगे चलते हैं फिफ्थ डिफरेंस के ऊपर। जो हमारा ई बिजनेस है, सॉरी ई कॉमर्स है, इज़ नैरो, नैरोअर कॉन्सेप्ट है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग। ये नैरो इन नेचर है, नैरो कॉन्सेप्ट है, और बिकॉज ये क्या करता है, ओनली बाइंग एंड सेलिंग में ही डीलिंग करता है। बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली जब हम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ये नैरो स्कोप हुआ एज कम्पेयर टू ई बिजनेस, बिकॉज ई बिजनेस क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है दैट इन्वॉल्व मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे होता है इसमें, सप्लाई चेन होती है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, एंड यूजिंग डाटा माइनिंग। आप मार्केट का सर्वे करते हो, उसके बाद सप्लाई चेन होती है, आपने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, कहाँ से आपने रॉ मटेरियल लेना है, कितना टाइम लगेगा, इन्वेंट्री आ गया, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें, डाटा माइनिंग, कस्टमर के रिलेटेड आपने डाटा लेना है, कॉम्पिटिटर के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, तो ये सारी आस्पेक्ट्स को आपका ई बिजनेस कवर करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्रॉडर है, वाइडर इन स्कोप। आगे सिक्स्थ डिफरेंस है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स द मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट। जो ई कॉमर्स है इसमें मैंडेटरी यूज है इंटरनेट का, बिकॉज हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं ई कॉमर्स की, सिंपल डेफिनेशन क्या है, ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू अगर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ई कॉमर्स। तो ये क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी यूज़ है इंटरनेट का। अभी दूसरी साइड चलते हैं, ई बिजनेस में क्या है, ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क एनीवेयर वर्ल्ड लेवल के ऊपर। इंट्रानेट क्या है, लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, कि लोकल एरिया के लिए आपने अगर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसे ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या है, द कंपनी ओनली, कंपनी के बीच में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, क्लियर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंट्रानेट का यूज़ करते हो। और दूसरी साइड सेकंड, एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या है, आपने सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, कोलैबोरेटर के साथ क्या करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई भी डीलिंग करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रानेट। और इंटरनेट क्या आता है, इंटरनेट के बीच में ये सारा इन्वॉल्व होता है। इंट्रानेट कंपनी, विद इन कंपनी, एक्स्ट्रानेट के बीच में कंपनी भी आएगा, सप्लायर आ जाएगा, मतलब इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज दोनों, सप्लायर कस्टमर, क्लियर। तो फिर उसके बाद इंटरनेट के ऊपर सारा वर्ल्ड के लेवल के ऊपर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसमें है, फर्स्ट आपने देखा ई कॉमर्स में इंटरनेट का यूज़ होता है मैंडेटरी, एंड ई बिजनेस में इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट।
आगे एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स बाइंग ऑफ पेन ड्राइव फ्रॉम amazon.com alibaba.com इज कंसीडर एज ई कॉमर्स. वैसे आप एग्जाम्पल में देखो कि आप बाय कर रहे हो पेन ड्राइव, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन बाय कर रहे हो फ्रॉम द amazon, तो इसको क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स. आपने कुछ ऑनलाइन बाय कर रहे हो, फ़ोन बाय कर रहे हो, पेन ड्राइव बाय कर रहे हो, क्लोथ्स ले रहे हो, शूज़ ले रहे हो ऑनलाइन amazon.com से ले रहे हो या फ्लिपकार्ट से ले रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा फिर ये सारी ट्रांजेक्शन को, ई कॉमर्स. सेकेंडली अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ई बिजनेस की, तो यूजिंग ऑफ इंटरनेट बाय डेल Amazon फॉर मेंटेनिंग बिजनेस processes लाइक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ईमेल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अगर जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे डेल कंपनी है, Amazon कंपनी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिजनेस processes को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अपने बिजनेस प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक कस्टमर सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन कस्टमर को, कस्टमर का फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, उनको इन्फॉर्मेशन के थ्रू फुलफ़िल कर रहे हैं. अगर उनको यूज़ करना नहीं आता प्रोडक्ट, उन वो को आपको मैसेजेस कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उनको पूरा आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो. ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आ रहा है, आप लॉजिस्टिक अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल की, सप्लाई चेन वो पूरा मैनेज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली. तो ये एक एग्जांपल है कि डेल और अमेज़न जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपने बिजनेस के प्रोसेसेस को क्या कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं. तो ये ई बिज़नेस है. क्लियर? अगर कोई भी बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अपने बिजनेस प्रोसेसेस को रन करता है, जैसे ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ईमेल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसको क्या बोला जाएगा, ई बिजनेस. लास्ट डिफरेंस है ई कॉमर्स का, इट डील विद एक्सटर्नल पार्टीज ओनली सच एज कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड क्रेडिटर्स एंड सो ऑन. तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं उसी के साथ डील करता है हमारा ई कॉमर्स, जो जैसे एक्सटर्नल पार्टीज़ हो गई कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, क्रेडिटर्स एंड सो ऑन. आगे ई बिजनेस की बात करें, इट डील्स विद एक्सटर्नल पार्टीज एंड इंटरनल पार्टीज एज वेल एज, इट डील विद इंटरनल पार्टीज सच एज एम्प्लॉयज हो गए अलोंग विद द एक्सटर्नल पार्टीज. तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ई कॉमर्स क्या करता है, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ डील करता है, और जो ई बिजनेस है तो इंटरनल पार्टीज के साथ भी डीलिंग कर रहा है और एक्सटर्नल पार्टीज के साथ भी, दोनों के साथ. तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप मेन डायग्राम के ऊपर ही जाते हो तो ये डिफरेंस से आपको ये डायग्राम अभी क्लियर हो जाएगी कि ई कॉमर्स का स्कोप नैरो है एज कम्पेयर टू ई बिजनेस. यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ही होती है, और यहाँ पे बाइंग सेलिंग भी होती है, बाकी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती हैं. क्लियर? तो यहाँ पे अगर इंटरनल के ऊपर ही फोकस, एक्सटर्नल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है. तो ये डिफरेंस को अच्छे से कर लेना. थैंक यू क्लास, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी बिजनेस क्या है, ई बिजनेस क्या है, फिर उसके बाद जो हमने डिफरेंस किया है. Thank you, class. If anyone have any doubt, then they can ask.